नमस्कार साथियों, एनवीरा प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसके अंदर हमने सल्तनत काल जो हैं वो पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने सल्तनत काल के तहत गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में संक्षिप्त ऐतिहासिक और डिटेल पढ़ी हमने। और इसके अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक के बारे में, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो हैं, इनकी भू राजस्व व्यवस्थाएं, इनके द्वारा जो शासन संचालन के लिए जो अभियान चलाए गए थे उनके बारे में, और इनके द्वारा जो स्थापित जो कर स्थापित किए गए थे उनके बारे में भी संपूर्ण डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं कि एनवीरा प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप अपनी संपूर्ण तैयारी के अंदर चार चांद लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, जिसके अंदर चाहे रिट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो या पटवार हो, हर एक सेगमेंट की यहाँ पर बड़े माने पर लार्ज जो शार गर्भित तैयारी करवाई जाती है। और इन तैयारियों के बदौलत आप आरएस आईपीएस की तैयारी को भी फाइट कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, सल्तनत काल का एक वंश, तुगलक वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही भारतीय एक प्रमुख धार्मिक स्थिति के अंदर हम जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जुड़ाव इनसे साथ में बताया जाता है। तो शुरू करने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की ऐतिहासिक जानकारी। फिरोज शाह तुगलक जो हैं, इनका शासन काल देखने को मिलता है 1351 ईस्वी से लगाकर 1388 ईस्वी। इससे पहले जो शासक बताया जाता है तुगलक वंश का, उसे मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खां या उलुक खां के नाम से जाना जाता है, जिनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हम पढ़ चुके हैं, जिनके पांच अभियान जो हैं वो उनके ऑपोजिट यानी उनके खिलाफ चले गए थे, जिसके कारण उनको बदकिस्मत बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों ने अन्य और नामों से भी उनको उल्लेखित किया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जो हैं, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई बताया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, जो धार्मिक कट्टरवादी मुसलमान था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया था कि हिंदुओं से धर्म के नाम पर जो लिया जाने वाला कर है उसे जजिया के नाम से जाना जाता है, और मुसलमानों से नाम मात्र का जो धार्मिक कर लिया जाता था उसे जकात के नाम से जाना जाता है। तो जजिया, जकात, खम्स हैं, इसके अलावा उर है वगैरह वगैरह बहुत सारे करों के बारे में भी हम स्पेशली एक वीडियो लेकर आएंगे, जो भारत के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर शुरू से अंत तक जितने भी कर स्थापित किए गए सामंतों के द्वारा, राजा के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा, बादशाहों के द्वारा, उन सब की हम गहन विश्लेषण करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, आगे बात कर लेते हैं, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर के बारे में मैंने बता दिया है। बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम। तो पिता का नाम जो देखने को मिलता है साथियों वह है रज्जब, और इनकी माता का अगर नाम जिक्र करें तो माता इनकी बताई जाती है हिंदू राजपूत, जो अबहोर के बट्टी राजपूत रणमल की पुत्री बताई जाती है। अबहोर राजवंश के बट्टी राजपूत रणमल की पुत्री बताई जाती है आपके फिरोज शाह तुगलक की माँ, जो हिंदू राजपूत बताई जाती। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक के बारे में बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दो बार आयोजित करवाया गया था। एक बार थट्टा जरूर याद रखना साथियों, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, सिंध में पड़ता है, सिंध के निकट थट्टा में पहला इनका राज्याभिषेक किया गया, और दूसरा विधिवत रूप से दिल्ली के अंदर अगस्त 1351 ईस्वी के अंदर इनका राज्याभिषेक पूर्ण तैयारियों के साथ में इसको सुचारू रूप से लागू किया गया था। और राज्याभिषेक के अवसर पर दिल्ली की जनता को 21 दिनों तक उत्सव मनाने का मौका दिया गया था। 21 दिनों तक उत्सव मनाया गया किस शासक के राज्याभिषेक पर, तो नाम आता फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के जो सैन्य अभियान हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो साम्राज्य विस्तार नीति के तहत अपनाए गए थे, इनमें सबसे पहला है 1360 ईस्वी कांगड़ा के ज्वाला माता मंदिर को ध्वस्त किया, तथा ज्वाला माता मंदिर के
अंदर जो 1300 शाही दस्तावेज जो मंदिर निर्माण या फिर रख रखाव या फिर उसके डोनेशन से जुड़े हुए थे, उन 1300 दस्तावेजों को छीन लिया और अंततः उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया। पहला जो अभियान है इसे नगर कोट अभियान के नाम से जाना जाता, जरूर याद रखना 1360 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों की बात हो रही है तो दूसरा अभियान, सैन्य अभियान जो हुआ है वह जहाज नगर उड़ीसा के ऊपर इनका अटैक हुआ। जहाज नगर उड़ीसा, उड़ीसा की अगर बात करें साथियों मौर्य काल के तहत तो इसे कलिंग महासाम्राज्य के नाम से जाना जाता था और कलिंग की राजधानी हमें देखने को मिलती है तौसली, और मौर्य शासक अशोक के द्वारा कलिंग के ऊपर अटैक किया गया था हाथियों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने के लिए अपनी शाही सेना के अंदर। तो उड़ीसा के बारे में जानकारी दे दी। जहाज नगर उड़ीसा के पुरी पर आक्रमण किया। पुरी बहुत ही धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही विख्यात क्षेत्र नगर बताया जाता है। पुरी, पुरी पर आक्रमण किया तथा जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त करके नीचे गिरा दिया गया। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है साथियों, इस मंदिर के अंदर काष्ठ निर्मित मूर्तियाँ रखी गई, अर्ध निर्मित मूर्तियाँ रखी गई हैं। मूर्तियों के कान नहीं हैं, दृढ़ रहित बताई जाती हैं, जिनमें ये मूर्तियाँ बताई जाती है कृष्णा, सुभद्रा और बलराम। कृष्णा, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ बताई जाती हैं। स्थानीय शासक को शोपन में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर इस मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा गया था। अब मंदिर निर्माण जो है यह एक लकड़ी से ही होना चाहिए, मूर्तियों का निर्माण एक ही लकड़ी से होना चाहिए, लेकिन एक रात्रि के दौरान, अब जब ये काम सौंपा गया तो किसी को इसकी खबर भी नहीं होनी चाहिए, यह भी स्वप्न के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया था, लेकिन रात भर में कार्य हो नहीं पाया और मूर्तियों का निर्माण जो है अधूरा छूट गया। इसी के कारण आज तक ये मूर्तियां अधूरी ही देखने को मिलती हैं। तो कृष्णा, सुभद्रा और बलराम तीनों की मूर्तियां शोभायमान है कहां पर? जगन्नाथपुरी टेंपल के अंदर। और जगन्नाथपुरी टेंपल जो उड़ीसा के पुरी के अंदर बताया जाता है, यह अपने भव्य रथ यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है, जिसमें कृष्ण का, सुभद्रा का और बलराम की रथ यात्राएं निकली जाती। अब इस मंदिर की आश्चर्यचकित बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे विज्ञान भी आश्चर्यचकित है, अचंभित है। तो विज्ञान को अचंभित क्यों, कैसे किया इस मंदिर ने, तो सुनिए आप। यह जो मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, फ्लैग जो है, ध्वजा जो है, स्थानीय मंदिर के पुजारी के द्वारा नित्य क्रम डेली चेंज की जाती है। दूसरी बात जो अब मैं आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, यह जो ध्वजा है यह विंड के ऑपोजिट चलती है, अर्थात हवा के ऑपोजिट चलती है। साथियों अगर हवा इधर से इसकी तरफ चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है यह जो झंडा है, यह जो झंडा बताया जाता है जगन्नाथपुरी टेंपल का, यह इस तरफ उड़ेगा, लेकिन ये हवा के ऑपोजिट चलता है। दूसरी बात आश्चर्यचकित करने वाली कि इस मंदिर को हम जगन्नाथपुरी नगर में जाते ही कहीं से भी किसी भी कोने से खड़े होकर इस मंदिर का दीदार कर सकते हैं। तीसरी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह बताई जाती है साथियों इस मंदिर की, कि यह जो मंदिर है इसके ऊपर एक भी पक्षी नहीं बैठता है, एक भी पक्षी नहीं बैठता है। तीन से चार जो अचंभित करने वाली जो बातें हैं यह किस मंदिर से जुड़ी हुई है? जगन्नाथपुरी टेंपल से जुड़ी हुई। वैसे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं और उनकी रोचक जो तथ्य हैं वो आज भी विज्ञान के लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा अभियान हमने पढ़ लिया है फिरोज शाह तुगलक का। तीसरा अभियान है सिंध विजय। सिंध विजय जो है ये 1361 ईस्वी के अंदर राजा जाम बामणिया के खिलाफ ये आक्रमण किया गया था फिरोज शाह तुगलक की शाही सेना के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्य से शाही सेना जो है लगभग 6 महीनों तक रेगिस्तान में भटकती रही, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है या फिर इसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं मिला था। खूंखार इतनी इनकी हालत इतनी बद से बदतर बताई जाती है फिरोज शाह तुगलक की सेना की। तो तीन इनके प्रमुख जो सैन्य अभियान उनके बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने शासन काल के तहत जो राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी उसके अंदर कौन कौन से कर लगाए गए थे, किन करों को हटाए गए थे, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुनिए आप, बात कर लेते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो फिरोज शाह तुगलक वह बादशाह था, सुल्तान था, जिसने
24 कष्टदायक जो कर हैं उनको समाप्त कर दिया जनता के ऊपर से, और मात्र 4 कर जो हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से लागू किए। 4 कर कौन कौन से बताए जाते हैं, ध्यान से सुनना आप। कराज, भू राजस्व कर था जो अलग अलग समय और कंडीशन के आधार पर लिया जाता था। यह एक समय में 1/5 भाग भी बताया जाता है, 1/3 भाग भी बताया जाता है। तो उस समय जो भूमि कर लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था। दूसरा है खंश, अर्थात किसी के द्वारा जो कहीं भी अन्य सैनिकों के ऊपर या फिर शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करके वहाँ से जो लूट खसोट का माल हाथ लगता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा शाही कोष के अंदर जमा करवाना पड़ता है, उस कर को कहा जाता है खम्स। फिर जजिया और जकात के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आगे बढ़ता है फिरोजशाह तुगलक के बारे में और जानकारी क्या देखने को मिलती है इनकी ऐतिहासिक तथ्यों के तहत। तो फिरोजशाह तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने अपनी संपूर्ण आय या इनकम या फिर आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। अगर पूछ ले इनका इनकम, वार्षिक इनकम पूछ लिया जाए तो फिरोजशाह तुगलक की वार्षिक इनकम बताई जाती है 6,85,00,000 टंका चांदी का सिक्का। 6,85,00,000 टंका जो है इनकी वार्षिक आय हमें देखने को मिलती है। और तुगलक वंश का प्रथम और सल्तनत काल का भी प्रथम शासक था जिसने अपने काल के अंदर घूसखोरी को बढ़ावा दिया, करप्शन को बढ़ावा दिया, घूसखोरी को बढ़ावा दिया, या ऐसा करने वाला पहला सुल्तान बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिरोजशाह तुगलक के बारे में और ऐतिहासिक जानकारी हम ले लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं फिरोजशाह तुगलक के बारे में और ऐतिहासिक जानकारी के लिए। तो सुनिए, फिरोजशाह तुगलक ने अपने शासन काल के तहत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 वृद्ध नहर परियोजनाओं का निर्माण करवाया जो उत्तर भारत के अंदर बताई जाती हैं। और इनकी यह जो नहर परियोजनाएं हैं जिसे कृषि को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला था, कृषि उन्नत हुई थी भारत के अंदर। साथ ही इन्होंने कृषि को बढ़ावा देते हुए नहरों का विकास करवाया, निर्माण करवाया। साथ ही अपने शासनकाल के अंदर फलों के लिए 1200 बाग लगवाए। कितने बाग लगवाए थे? 1200 बाग बगीचे लगवाने का कार्य करने वाला सुल्तान कौन? फिरोजशाह तुगलक के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब हम बात करते हैं फिरोजशाह तुगलक जो हैं इनके शासनकाल के अंदर दासों के बारे में क्या गतिविधियां देखने को मिलती हैं हमें। सुनिए, इनके शासनकाल में दासों की जो संख्या बताई जाती है वो बताई जाती है 7,80,000। सर्वाधिक जो दासों की संख्या देखने को मिलती है सल्तनत काल के शासक के दौरान तो वह है आपके फिरोजशाह तुगलक। लगभग 7,80,000 दासों की यानी गुलामों की संख्या बताई जाती है। और इन गुलामों से संबंधित जो विभाग बताया जाता है इसे दीवानी बंदगान के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दासों के बारे में दे देता हूँ कि दास किन्हें बनाया जाता था। तो चूंकि एक अफ्रीका नामक देश जो है इसके तंजानिया नामक जो जंगली इलाका है यहाँ से अश्वेत यानी हस्ती लोगों को पकड़कर इन्हें बेड़ियों में जकड़कर भारत की तरफ जहाज़ों में डालकर इनके रवाना किया जाता था। और यहाँ पर लाकर तटवर्ती इलाकों में इनकी ऊंची ऊंची बोलियाँ लगाकर इन्हें बेचा जाता था। स्पेशली सल्तनत काल में ऐसे गुलामों का बहुत ज़्यादा आयात किया जाता था भारत के अंदर। अब ये जो दास हैं ये काम क्या करते थे? खान में, खदानों में, बाग बगीचों में और डोली पालकियाँ उठाने में आदि का काम किन का काम लिया जाता था? दासों का काम लिया जाता। चूँकि इनके अलावा जो दास बनाए जाते थे कि अन्य क्षेत्र पर जब आक्रमण किया तो वहाँ से जितने भी लोगों को जीवित अवस्था में पकड़ा गया है उन सभी को दास बनाया जाता था। और दासियां जीवित अवस्था में जिन महिलाओं को पकड़ा जाता था शाही दरबार के अंदर बड़ा सा कोई भी फेस्टिवल होता था उस फेस्टिवल के अंदर आए हुए सामंत जमींदार या ऊंची जो रुतबा रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखना इन दासियों का कार्य बताया जाता था। दासों के बारे में हमने बात कर ली। वैसे अफ्रीका से भारत की तरफ जो जहाज़ रवाना किया जाते थे दासों को पकड़कर गुलामों की तरफ एड़ियों में जकड़कर लगभग 2.5 महीने लगते हैं भारत को पहुंचने में जहाज़ों को। और एक साइड अर्थात अमेरिका की तरफ भी ये जहाज रवाना किए जाते थे दासों को भरकर जिन्हें 3 महीने का कड़ा सफ़र समय व्यतीत करना पड़ता था। अब ये जो दास जो हैं जिन्हें इन जहाज़ों में भरकर भारत की तरफ या अन्य देशों की तरफ भेजा जाता था इनमें से आधे से ज़्यादा दास
जो हैं भूख प्यास के कारण अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि समय पर उनको खाना नहीं दिया जाता और भागने की फिराक में या तो वो खूंखार मछलियों का शिकार बन जाते थे समुद्रों के अंदर। आगे बढ़ते हैं, सुनिए, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी करवाया, जरूर याद रखना है, सवाल कई बार पूछा गया है। और इनके शासनकाल में जो सिक्के प्रचलित हुए हैं उन्हें संसगनी नामक सिक्कों का जो इनके शासनकाल में प्रचलित करवाए गए थे और जीतल जिस सिक्के के ऊपर खलीफा शब्द उत्कीर्ण है, ये किन के शासनकाल की देन है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की। अब हम बात कर लेते हैं और स्थापत्य के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की कौन सी ऐतिहासिक गतिविधि सामने आती है, तो सुनिए आप, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 300 नगरों की स्थापना करवाई। प्रमुख रूप से जो नगर बताए जाते हैं, नंबर एक हिसार हरियाणा में पड़ता है, फिरोजाबाद यूपी में पड़ता है, फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है, जौनपुर यूपी में पड़ता है और फिरोजपुर जो है ये पंजाब में पड़ता है, आदि जो उत्कृष्ट आधुनिक जो नगर देखने को मिलते हैं इनकी स्थापना करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के अंदर सफाखाना चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया, किस नाम से जाना जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में दारुल सफा यानी जीवन का अंतिम किनारा नामक एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया था। और बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी 80 वर्ष की आयु के अंदर हुई थी, सितंबर 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। अगर पूछ ले साथियों इनके मकबरे से संबंधित क्वेश्चन, तो इनका मकबरा पड़ता है होज खास परिसर जो आधुनिक दिल्ली के अंदर बताया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो तुगलक वंश के अन्य शासक देखने को मिलते हैं प्रभावहीन, उनमें प्रमुख शासक तुगलक शाह जिसे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जाना जाता है, दूसरा शासक अबू बकर के नाम से जाना जाता है, तीसरा प्रभावहीन शासक मोहम्मद शाह और चौथा शासक बताया जाता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और इस वंश का अंतिम शासक बताया जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ध्यान रखना कि नसीरुद्दीन मोहम्मद वह सुल्तान था दिल्ली सुल्तनत के तुगलक वंश का जिनके शासनकाल में तैमूर लंग का अटैक बताया जाता है दिल्ली के ऊपर। तैमूर लंग भारत के अंदर 15 दिनों तक रहा था और लगभग जितने दिन तक रहा था रक्तपात निरंतर चलता रहता था, खूब धन दौलत लूट कर चला गया था तैमूर लंग, अर्थात पैर से लंगड़ा होने के कारण इसे तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। जब लूट खसोट कर दी है तो उसके बाद में अपना एक उत्तरदायित्व संभालने वाला एक प्रमुख अपने एक दास को यहाँ पर छोड़ दिया था जिसे खिजर खां के नाम से जाना जाता है, जिसने भारतीय सल्तनत काल के अंदर चौथा इंपॉर्टेंट जो वंश बताया जाता है सैयद वंश जिसका संस्थापक बताया जाता है इसका उत्तराधिकारी। आगे बढ़ते हैं साथियों, संपूर्ण तुगलक वंश की ऐतिहासिक जानकारी ले ली हमने। मैं और बता देता हूँ साथियों, सल्तनत काल जो हम पढ़ रहे हैं इससे संबंधित स्थापत्य कला के बारे में, प्रमुख विभागों के बारे में, प्रमुख जो शासन कर्मी हैं या फिर इनकी जो प्रमुख व्यवस्थाएं चाहे आर्थिक हो राजनीतिक हो, इन सब के बारे में हम अलग रूप से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर संपूर्ण गतिविधियों का जिक्र हम जरूर करेंगे। तो साथियों, हमने तुगलक वंश की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी का जिक्र किया, अब हम बात कर लेते हैं सैयद वंश के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के सल्तनत काल का चौथा शासनकाल या शासन वंश जो जिसका नाम सैयद वंश का शासनकाल भी पूछा जा सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन आज तक विभिन्न कंपटीशन के माध्यम से पूछे गए हैं। वैसे ज़्यादा लार्ज बड़ा कोई वंश देखने को मिलता है, ज़्यादा इनकी ऐतिहासिक गतिविधियां भी सामने नहीं आती हैं। तो सुनिए आप, इनका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया जाता है। सैयद वंश जो हैं इनके संस्थापक को खिजर खां के नाम से जाना जाता है। अब खिजर खां कौन था? तैमूर लंग की हमने जब जानकारी पढ़ी थी उस समय मैंने खिजर खां के बारे में बता दिया। खिजर खां जो हैं ये अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब जिनका जन्म सऊदी अरबिया के मक्का के अंदर जिनका जन्म बताया जाता है, जो मुस्लिम धर्म के प्रमुख आदमियों के प्रमुख बताए जाते हैं
पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब, अल्लाह ईश्वर का जो पैगाम धरती पर बांटने वाले को पैगंबर कहा जाता है, जो अंतिम नबी भी बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। खिज़र खां अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे, और खिज़र खां जो हैं इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा कि खिज़र खां एक न्यायप्रिय शासक था, और इसने अपने शासनकाल के तहत उपाधि जो एक्सेप्ट की है वह है रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि इन्होंने एक्सेप्ट की थी। और खिज़र खां की मृत्यु का जिक्र जरूर पूछा जा सकते हैं आपसे। सुनिए आप, 20 मई 1421 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई है तो मृत्यु से संबंधित जानकारी बता देता हूँ कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के अंदर लोगों के द्वारा काले वस्त्र पहनकर इनकी मृत्यु के ऊपर शोक जो है वो दर्शाया गया है, शोक धारण किया गया था काले वस्त्र पहनकर। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश के अन्य शासकों के बारे में मैंने पहले बता दिया, ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलती नहीं है। अगले शासक का नाम मुबारक शाह। अब मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे जिस नगर की स्थापना की है उसे मुबारकबाद के नाम से जाना जाता है। और इनके शासनकाल के अंदर जो प्रमुख रूप से विद्वान देखने को मिलते हैं, नाम सरहिंदी बताया जाता है, और सरहिंदी ने जो ग्रंथ लिखा है उसे तारिक ए मुबारक शाही के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह ने सुल्तान बनने के बाद में मोहम्मदा नगर बसाया था, और इन्होंने खान ए खाना की उपाधि ग्रहण की थी। वैसे खान ए खाना एक और उपाधि जो शासनकाल में मुगल काल में हमें देखने को मिलती है, जो अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो बहराम खां का पुत्र बताया जाता है, उनको ये उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जरूर याद रखना, अंतिम शासक पूछा जा सकता है। अब अलाउद्दीन आलम शाह वह शासक था जिसने सैयद वंश का अंतिम शासक भी कहते हैं, जिसने स्वेच्छा से अपनी दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी लोधी वंश, जो एकमात्र अफगानी या पठानी वंश बताया जाता है, बहलोल लोधी को अपनी दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी सौंपकर यह स्वयं बंदायु यूपी चला गया था, राजगद्दी का त्याग करते। तो साथियों, इस चैप्टर के माध्यम से हमने संपूर्ण तुगलक वंश के शासकों की ऐतिहासिक जानकारी ली, साथ ही एक वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह जो वीडियो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अनछुआ पहलू थे जो विभिन्न कंपटीशन के माध्यम से आपके लिए क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। साथियों, अग्रिम आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम सल्तनत काल के अंतिम वंश लोधी वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ेंगे। धन्यवाद।